नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हरमू स्थित सरना हॉस्टल में हुए मारपीट का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जमीन के मालिक ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनकी जमीन हड़पी जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मैं विश्वजी की पत्नी हूँ और हमारे जमीन विवाद 2011 से शुरू हुई थी और पहला केस हम लोग का SIR कोर्ट में शुरू हुआ था और SIR कोर्ट में हम लोग को यानी हमारे पति विश्वजी उराव के पक्ष में हुआ और हमारे पक्ष में जब फैसला होती है तो हॉस्टल के लोग चमरा विधायक माननीय विधायक चमरा लिंडा जी से मध्यस्थता करवाते हैं। उनकी ओर से मध्यस्थता होती है, मेरी ओर से नहीं। वे कहते हैं कि 20 डिसमिल जमीन हमें हॉस्टल के नाम में दान में दिया जाए। मेरे पति विश्व जी वो बात भी स्वीकार लेते हैं। उसके बाद वे लोग इस बात से भी मुकर जाते हैं। जब हम लोग दखलदानी के लिए जाते हैं वहाँ पहला जो हम लोग का हमारे पक्ष में जब फैसला हुई तब जब दखलदानी के लिए हम लोग गए वहाँ तो हम लोग को दखलदानी नहीं होने दिया, जबकि हमारे साथ पुलिस प्रशासन थी, COCI भी थे, लेकिन हम लोग को वहाँ दखल पोजीशन नहीं लेने दिया गया। वहाँ से हम लोग को डांट फटकार के हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर आगे कोर्ट में केस चलती है कमिश्नर कोर्ट में, वहाँ से भी हमारे पति विश्व जी के पक्ष में ही फैसला होती है। उसके बाद फैसला के बाद उन्होंने फिर से अपनी ओर से ही मध्यस्थता करवाने की बात हमसे करते हैं। सांसद माननीय समीर उरांव के साथ उनके बीच हमसे मध्यस्थता करवाते हैं, उसमें भी वे लोग बोलते हैं कि दान में हम लोग को दे दीजिए 20 डिसमिल और जो भी आपका 60 डिसमिल बनता है उसमें आप अपना कब्जा कीजिए। देखिए सर, हॉस्टल के बच्चों के लिए हमारे पूरे परिवार के मन में सहानुभूति है, हम नहीं चाहेंगे इस प्रकार का हॉस्टल के बच्चों के साथ भी अन्याय हो, क्योंकि वह भी हमारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए हैं। हम कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में। अगर ऐसा ही सोचना होता तो फिर हम लोग अपने इच्छा से जब ये लोग हम लोग से मध्यस्थता किए तो हम लोग 20 डिसमिल देने के लिए तैयार नहीं होते। मेरा अपना जमीन था, क्यों देते? लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन हमारे साथ हो रहा है ये राजनीति जी, उस दिन के बाद कोई संपर्क में नहीं है सर। तो आप ये मानते हैं कि उनकी या तो हत्या हो गई है या हत्या होने की संभावना है, ऐसा मानते हैं? जी अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जी हम लोग पूरे तो खोज रहे हैं कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सामने आए और पता लगा रहे हैं। अभी पता नहीं है और ये लोग पहले भी जानलेवा हमला करने का धमकी दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को शक जाता है सर। मेरे पति विश्व जी वो घटनाक्रम में शामिल नहीं थे। 70 डिसमिल जो बैलेंस जमीन बच रहा है, 60 डिसमिल जो जमीन बच रहा उस पर अधिकार के लिए ये सब प्लानिंग रचा गया। हॉस्टल या छात्रावास या गैर आदिवासी इस तरह का कोई मामला नहीं है। आदिवासी बनाम आदिवासी भूमि का मामला है। यह एक रैयत है, यह महिला एक रैयत है, विश्व राव की पत्नी है, यह रैयत है। इनका कहना है कि जो भूमि इनकी है, रैती भूमि है, उस भूमि पर अभी कब्जा हॉस्टल वाले के कुछ हिस्से का है। लगभग 20 डिसमिल भूमि में कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और उन लोगों ने अवैध निर्माण जारी कर रखा था, जबकि समीर उराव साहब के मध्यस्थता में, चमरा लिंडा जी के मध्यस्थता में यह तय किया गया कि जो भूमि हॉस्टल के लिए छात्रावास के लिए बनी हुई है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न किया जाए और बाकी भूमि पर दखल दहानी दिया जाएगा। लेकिन उस बात को अमान्य घोषित करते हुए उन लोगों को पूरी भूमि पर कब्जा करने का लालच समाया और फिर इस तरह से माहौल को क्रिएट किया गया कि इन लोगों की तरफ से वहां दंगा फैलाया गया, तोड़फोड़ किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाई और यहाँ के जो मेन हकदार हैं, मालिक हैं, उनका भी कहना आपको सुनाया। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।